हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी कुछ दिनों से मुझे नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी टाइम, और अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी पीहू का नाइट सूट जो कि जस्ट मैंने भी स्टिच किया है। तो देखते हैं, और देखो मैं टेलर मास्टर बनी घूम रही हूँ। तो ये जो कपड़ा है ना, ये गर्म कपड़ा था, और इससे ये वाला जो कपड़ा था, ये देखिए मैं लेकर के आई थी जयपुर से। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं जयपुर से लेकर के आई थी, मैंने आपके साथ में जयपुर हॉल में शेयर भी किया था। तो इसका मैंने फाइनली बनाया पीहू के लिए नाइट सूट। बताइएगा जरूर कि कैसा है। और जस्ट मैं बना के अभी उठी हूँ। ये देखिए, ये तो उसके ऊपर का है, ये मैंने फुल स्लीव्स का बनाया है क्योंकि ये गर्म है, ये कपड़ा गर्म है इस वजह से। ये देखिए यहाँ पे पेटल पैन कॉलर, जो कि लड़कियों पे बहुत ज्यादा, मतलब बच्चियों पे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पेटल पैन कॉलर बनाया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ना अभी मैंने प्लेकेट बनाया है। ये देखो, ये मैंने प्लेकेट बनाया है यहाँ पे। अभी मैंने एक सेफ्टी पिन लगाई हुई है, पिन लगा दी है। अदरवाइज यहाँ पे बस मुझे ना दो चुटर पुटर वाली, जो चुटपुट वाली बटन होती है ना, एक यहाँ पे वो लगानी, ताकि खुल के और इजिली वो पहन सके। और ये देखो, ये तो उसके ऊपर का है, ये देखिए है ना, ये तो ऊपर का हो गया। और इसके साथ साथ मैंने बनाई है ये दो पॉकेट्स भी बनाई हैं यहाँ पे नीचे में। थोड़ा सा मैंने खुला खुला बनाया है क्योंकि एक तो नाइट सूट है तो खुला खुला ही होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि मतलब सर्दी के पर्पज से बनाया तो मैंने फुल बनाया। जैसे बारिश के टाइम पे भी हल्की ठंड होती है ना, उस टाइम पे भी पहन के इजिली सो सकती, अभी भी सो सकती है। पीहू को ज्यादा अगर जैसे मैं गर्म कपड़े पहना के सुलाती हूँ ना, तो वो नहीं सोती है, उलझन करती है, रजाई रजाई सब फेंक देती है। तो इसलिए मैंने ये बना दिया, अब मैं इसको ये पहना के सुलाऊंगी। और ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा जरूर। ये तो अपर उसका मतलब ऊपर का हो गया, जो टॉप है वो हो गया, और पेटर पैन कॉलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा से आया है। और ये वाले प्रिंट का बिग बॉस में राहुल वैद्य आता है ना, उसने इसी सेम प्रिंट का उसने पहन रखा हुआ था नाइट सूट। तो मैंने जब उसको देखा, मैंने कहा अरे ये तो मैंने, मतलब मेरे पास भी है। तो फाइनली गाइस ये देखो, ये पीहू का हो गया है नाइट सूट, ये ऊपर का हो गया है। बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, और इसकी मैं पैंट दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है इसकी पैंट। पैंट मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है, और वो भी जो इसका टॉप है वो भी मैंने बड़ा ही बनाया है। ये देखिए, ये इसकी पैंट है। तो बड़ा होने की वजह से, ये देखिए इलास्टिक डाल करके, और ये बड़ा होने की वजह से मैंने क्या किया था, नीचे में भी इलास्टिक डाल दिया। तो ये जब लंबा है तो वो क्या, जब पहनेगी तो नीचे चुन्नटे से आ जाएंगी। और देखिए बढ़ता बच्चा है तो हमें थोड़ा बड़ा ही बनाना चाहिए। टॉप में भी मैंने अंदर इतना इतना मतलब मैंने मार्जिन रख दिया है, ताकि कभी अगर मोटी हुई तो फिर मैं उसको खोल करके कर सकती हूँ। तो ये हो गई है उसकी पैंट, जो कि मैं पहना के देख चुकी हूँ। ये तो उसकी पैंट हो गई है, और ये हो गया है उसका टॉप। तो अभी जब वो आएगी तब मैं उसको पहनाऊंगी, ये वाला नाइट सूट। कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और उसके साथ साथ मैं अभी इसके ना, मेरे पास कतरन बच गई है, मैं दिखाती हूँ। इसकी मेरे पास इतनी कतरन ये बची हुई है, और ये आपको अभी ऐसी लग रही होगी। इसमें मैं बनाऊंगी अपने गोपाल जी के लिए नाइट सूट, जो कि इजिली बन जाएगा। ये मैंने पेटर पैन कटिंग करी थी, तो उसमें ये मेरी देखो पेपर पेस्टिंग के साथ में भी, इसमें क्लोथ भी है अंदर, ये क्लोथ भी है। तो इन सबको मैं जोड़ तोड़ करके, हमारे गोपाल जी तो छोटे से होते हैं तो उनके लिए आराम से बन जाएगा। तो इससे मैं बना लूंगी अपने गोपाल जी के लिए एक नाइट सूट बनाऊंगी रात में पहनने के लिए। और ये वाला एक टुकड़ा मेरे पास अच्छा बच गया है, तो इसके लिए इसका मैं नहीं करूंगी, इसको मैं अच्छे से बराबर करके चारों तरफ लेस लगा के मैं अपने गोपाल जी को, जब हल्की सी वो हो जाती है ना, मतलब जैसे हम एसी वगैरह में सोते हैं गर्मी में, तो उस टाइम पे लोई की जरूरत पड़ जाती है। तो क्योंकि ये गर्म कपड़ा है तो ये मेरे गोपाल जी को ओढ़ने के काम आ जाएगा। मैं इसको अच्छे से कटिंग कर दूंगी, लेस वेस लगा दूंगी तो उसमें आ जाएगा। और मैं एक ये वाली कुर्ती मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं दिखाती हूँ। ये वाली कुर्ती भी, ये गर्म कपड़े की कुर्ती है, ये भी मैं लाई थी कट पीस का कपड़ा, और उसमें भी ये देखो इतना ही कपड़ा बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, इतना ही कपड़ा बचा है। इसमें गोपाल जी को ओढ़ने के लिए नहीं आएगा, ये तो और अच्छा था, ये अच्छा गर्म है।
तो इसमें नहीं आएगा, बट उनका नाइट सूट तो बहुत अच्छे से बनेगा, तो इसमें नाइट सूट विद कैप बनाऊंगी, उसमें भी नाइट सूट विद कैप बनाऊंगी, क्योंकि हमारे गोपाल जी छोटे से बच्चे हैं तो उनको कैप की जरूरत गर्मी में भी होती है, ठंडी में भी होती है। तो ये होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कुर्तियां, जो कि मैंने ये सब कुछ मैंने 2 दिन के अंदर तीन चीजें मतलब मैंने रेडी करी, मैं दिखाती हूँ। तो गाइज, जिसका मैंने अभी आपको कट पीस में कपड़ा दिखाया था ना, ये देखिए, ये वाली मैंने कुर्ती बनाई है, और मैं आपको इसको दूर से दिखाती हूँ। और इस पे मैंने ये कॉलर नेक बनाया है यहाँ पे इस तरीके से करके, और जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके से बनाई, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट में जोड़ दिया है। और ये वुलन कुर्ती है, अच्छा खासा गर्म कपड़ा है ये, देखिए आराम से अंदर से मतलब काफी अच्छा कपड़ा है। तो ये वाली मैंने कुर्ती बनाई थी अपने लिए, और उसके बाद मैंने एक कुर्ती और स्टिच करी है, वो मैं दिखाती हूँ। ये येलो कलर की कुर्ती है, देखिए ये कॉटन की है, ये नॉर्मल कुर्ती है, और मैंने इस तरीके से ये ऐसे बनाई है। एक सेकेंड दिखाती हूँ अच्छे से। तो नीचे में पाइपिंग दे दी है, ये देखिए, स्लीव्स में भी मैंने पाइपिंग ही दी है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे इस तरीके से ये दे दिए हैं, यहाँ पे भी पाइपिंग दी है, बैक में भी मैंने पाइपिंग दी है, और फुल स्लीव्स रखी है। ये कॉटन का है, बसंत पंचमी का टाइम आ रहा था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, कपड़ा रखा हुआ अपने पास पीला तो पहन लेंगे। ब्लैक मैंने कॉन्ट्रास्ट डाल दिया है, तो इसी में मैं आराम से, मेरे पास ब्लैक ट्राउजर है तो वो मैं पहन लूंगी। ये कुर्ती कैसी लग रही है गाइज बताइएगा जरूर। ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही है, वो भी बहुत अच्छी लग रही है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। इसका भी मेरे पास पीला कपड़ा बच गया है, तो लेकिन ये कॉटन का है तो ये गर्मी में काम आएगा हमारे गोपाल जी को, और ये अभी तो फिलहाल ये ठंडी में ही आ जाएगा। तो अब मैं बनाऊंगी अपने गोपाल जी के लिए, वीडियो अभी हो गया 7 मिनट का। तो इसकी मैंने स्टिचिंग करी है, कटिंग का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग भी देखनी है, और पीहू का नाइट सूट अगर आपको अच्छा लगा हो, या फिर कुर्ती की कटिंग वटिंग देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं नहीं कर सकती अभी मुझे, क्योंकि एक कुर्ती और स्टिच करनी है इस वाले की, ये भी मुझे इसकी बनानी है, बस अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी। और वैसे तो ये नॉर्मल लोग प्लाजो वगैरह में यूज करते हैं लाइनिंग वाला, बट मुझे इसकी करनी है कुर्ती, क्योंकि मुझे ये पसंद है, और देखना जब बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरीके के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइनिंग वाले, जब ऐसे बन जाएगा तो, ऐसे बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी भी मुझे कुर्ती बनानी है, और इसके साथ में व्हाइट ट्राउजर अभी तो फिलहाल मैंने नहीं बनाया है, बट मैं कपड़ा लाऊंगी तब मैं बनाऊंगी। अभी मैं व्हाइट जीन्स पे भी डाल सकती हूँ, तो इसकी मुझे अभी कुर्ती बनानी है। तो ये अभी बस ये लास्ट बचा हुआ है, और उसके बाद अपने पहले लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी, फिर इसके लिए अपनी कुर्ती बनाऊंगी। और मैं एक और चीज दिखाती हूँ, मैंने देखो ये एक ब्लैक ट्राउजर बनाया है, जो कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, कटिंग किया हुआ पड़ा हुआ था, बट मैं स्टिच नहीं कर पा रही थी। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का ट्राउजर है, जो कि मैं इस पीली कुर्ती के साथ में भी ऐसे ऐसे करके देखो ये पहन सकती हूँ। मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है गाइस, बहुत ज्यादा। और एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, ये वाली जो कुर्ती है, ये वाली मेरे पास एक कुर्ती है, ये देखिए इसका प्रिंट कितना अच्छा है, बट इसमें प्रॉब्लम थी, ये रेडीमेड कुर्ती थी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो इसका जो ये जो हिप के साथ मतलब जो हमारी यहाँ से जो कटिंग होती है ना, वो बहुत वहां पे मार्जिन बहुत थोड़ा सा था, और ये जब मैं इसको लेगिंग वेगिंग के साथ में पहनती थी तो बहुत ही ऑड सी लगती थी, क्योंकि इसकी जो ये जो होती है ना, ये चीज जो होती है ये बहुत ज्यादा कम थी। तो फिर ये पूरी एक ही कलर की कुर्ती थी, फिर मैंने इसमें तिकड़म लगाया, और मैंने क्या किया, ये ब्लैक स्ट्रिप्स काट करके इसमें लगाई हैं, कटिंग करके, अब ये इतनी सुंदर कुर्ती लगने लगी है, मतलब सबसे प्यारी ये कुर्ती अच्छी लगने लगी है, और बहुत अच्छी लगने, ये देखो ये मैंने ना लगाया, ये कुछ डिजाइनर लुक भी दे रहा है, और हमारी कुर्ती की चौड़ाई भी बढ़ गई, देखना कितनी सुंदर लग रही है ये वाली कुर्ती इस तरीके से।
ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इसके साथ साथ ये जो हमारी जो चौड़ान कम थी यहाँ से, वो भी अच्छी खासी, ये देखो अच्छी खासी हमारी चौड़ान भी बढ़ गई है और ये एक डिजाइनर लुक भी दे रही है। तो ये वाला ट्राउजर और ये दोनों मैं घर में वेयर करने के लिए मैंने इसको कर लिया है। तो कुछ दिनों से मैं इसी में लगी हुई थी गाइज, और ये सब मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर किया है कि मुझे स्टिचिंग का है बहुत ज्यादा शौक। अगर आप भी देखना चाहते हो मेरी स्टिचिंग, मैं किस तरीके से ये सब करती हूँ, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं बचे, मैंने सारे स्टिच कर दिए हैं, लेकिन अभी जब मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब जाने को है, इसी वजह से मैं ये सब तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैं वहां से कपड़े लाऊंगी ढेर सारे, फिर मैं आपके साथ में स्टिचिंग शेयर जरूर करूंगी। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो ना, अगर मेरी पीहू की नाइट ड्रेस या मेरी कुर्ती या जो भी कुछ है मैंने स्टिच किया है, तो मुझे बताना जरूर एक बार कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये तो पूरा एक वीडियो ही बन गया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अभी करनी है मुझे बहुत ढेर सारी सफाई। लड्डू गोपाल जी के कपड़े देखना चाहते हो तो मुझे बता देना कॉमेंट करके। फिलहाल तो मैं भी बनाने जा रही हूँ और आगे मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। ओके, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।